इंदुलाल याग्निक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने जर्मनी से भारत में मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराए गए भारतीय तिरंगे झंडे की तस्करी की थी। वह अखिल भारतीय किसान सभा के नेता थे और उन्होंने महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने 8 अगस्त 1956 को गुजरात को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्हें इंदू चाचा के नाम से भी जाना जाता है। वह एक लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनालिटीज वीडियोस की सीरीज है जिसमें मैं आपको हर एक पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। इंदुलाल याग्निक का जन्म 1892 में नाडिया खेड़ा गुजरात में झगड़िया पोल में हुआ था। उनके पिता कन्हैयालाल की मृत्यु पढ़ाई के दौरान ही कम उम्र में हो गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में याग्निक ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नाडिया में पूरी की और 1906 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में प्रवेश लिया। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सेंट जीवियर्स कॉलेज बॉम्बे में प्रवेश लिया और 1912 में उन्होंने LLB इम्तिहान पास की। तो ये इनकी इंफॉर्मेशन थी शिक्षा के क्षेत्र में। इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1915 से 1947, मतलब कि इंदुलाल याग्निक का कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या था। इंदुलाल याग्निक जर्मनी से स्टटगार्ट से तिरंगा झंडा लेकर आए थे जिसे मैडम कामा ने फहराया था। याग्निक अपने कॉलेज के दिनों से ही एनी बेसेंट से बहुत प्रभावित थे। 1915 में जमनादास द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर के साथ उन्होंने बॉम्बे से एक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका यंग इंडिया प्रकाशित की। वह उसी वर्ष सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए, लेकिन 1917 में इस्तीफा दे दिया और होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। 1918 में उन्होंने गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। 1921 में वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। अक्टूबर 1922 में उन्होंने एक और गुजराती मासिक युग धर्म शुरू किया। 1926 से 1927 के दौरान वह द बॉम्बे क्रॉनिकल के सहायक संपादक भी थे। उन्होंने 1930 से 1935 तक यूरोप के कई देशों की यात्रा की। 1936 में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के गठन की सक्रिय पहल की और इसके पहले सत्र में भाग लिया। 1939 में उन्होंने गुजरात किसान परिषद की स्थापना की। 1940 से 1941 के दौरान उनके युद्ध विरोधी अभियान के लिए उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। 1942 में उन्होंने अखिल हिंद किसान सभा के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1972 तक। 1956 में याग्निक ने एक अलग गुजरात राज्य के लिए महागुजरात आंदोलन के नेतृत्व किया और महागुजरात जनता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष बने। 1957 में वह अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से महागुजरात जनता परिषद के उम्मीदवार के रूप में दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य के गठन के बाद महागुजरात जनता परिषद को भंग कर दिया गया। जून 1960 में उन्होंने नूतन महागुजरात जनता परिषद की स्थापना की और 1962 में इसके उम्मीदवार के रूप में तीसरी लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 17 जुलाई 1972 को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। तो ये था इंदुलाल याग्निक जी का जीवनी जिसको हमने अच्छे से बताया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।